भारत बंद आंदोलन के चलते बडनेरा में निषेध रैली, पुलिस को दी गई सूचना। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को सब कैटेगरी बनाने का अधिकार राज्यों को दे दिया है। साथ ही एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने का भी जोर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ दलित संगठन कल 21 अगस्त को भारत बंद कराने का दम भर रहे हैं। इस बंद को अन्य दलित संगठन भी अपना समर्थन दे रहे हैं। आंदोलन की तैयारी कर रहे दलित नेताओं का दावा है कि इस भारत बंद को ओबीसी के साथ संवर्ण समाज के संगठन भी सपोर्ट कर रहे हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी इनके लेटर वायरल किए जा रहे हैं। वहीं जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि कोई भारत बंद नहीं है। अमरावती जिले के बडनेरा शहर में भी इस बंद को सफल बनाने के लिए भारतीय बौद्ध महासभा बीएसपी सहित सभी दलों और संगठन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में निषेध रैली की सूचना थानेदार चौहान को दी है। इस समय शहर के सभी संगठनों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समाज सेवी थाने में मौजूद रहे। एक अगस्त 2024 रोजी सन्माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी आरक्षण वर्गीकरणाचा जो आदेश काढलेला आहे आणि जो निकाल दिलेला आहे त्या निकालाच्या अनुषंगाने भारतातील समस्त राजकीय पक्ष आणि आंबेडकरी चळवळीतील समस्त संघटना यांच्या वतीनं 21 ऑगस्ट 2024 रोजी जो भारत बंदचा आवाहन करण्यात आलं त्यामध्ये बडनेरा शहरामधून भारतीय बौद्ध महासभा त्याचबरोबर सर्व पक्षीय सर्व संघटना संस्था आणि मंडळे आणि बडनेरा शहरातील सर्व संविधान संरक्षक यांच्या वतीनं उद्या दिनांक 21 ऑगस्ट रोजी या भारत बंदमध्ये स्फूर्तीनं सहभागी होण्याकरता आज बडनेरा पोलीस स्टेशन येथे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सन्माननीय चव्हाण साहेबांना भेटण्यासाठी आलो आणि त्यांना विनंती केली की उद्या आमचं बडनेरा बंद आणि त्याचबरोबर निषेध रॅली आम्ही आयोजित केलेली आहे। त्या अनुषंगाने उद्या शांततेमध्ये आम्ही बडनेरा शहरामध्ये शांततेत निषेध रॅली आम्ही आयोजित करत आहोत। त्यामध्ये सर्व बडनेरा शहरातील तमाम नागरिक, संघटना, सर्व पक्षीय, सर्व समाज ह्या निषेध रॅलीत उपस्थित राहतील आणि मी बडनेरा पोलीस स्टेशनला विनंती करतो की आपल्या माध्यमातून पोलीस प्रशासनाने आम्हाला नेहमी जसा प्रकारे साथ दिली, सहकार्य केलं आणि बडनेरा शांतता राखण्यासाठी जो प्रयत्न आजपर्यंत झालं त्या आंदोलनाला पोलीस प्रशासन सहकार्य करून आम्हाला सहकार्य करावं अशी मी आम्ही सर्वांनी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सुनीलजी चव्हाण साहेबांना केलेलं आहे। त्या अनुषंगाने आज आम्ही सर्व ह्या ठिकाणी उपस्थित झालेलो आहोत। सर्वांनी ह्या आंदोलनात सहभागी व्हावं अशी मी सर्वांना विनंती करतो। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।